Hey guys, what's up? My name is Divyakant Thaledi और आप देख रहे हैं DKT Tech और आज हम कैमरा कंपैरिजन करने जा रहे हैं बिटवीन द Samsung Galaxy M30s एंड Realme XT आफ्टर द अपडेट। अब दोनों ही फोन्स में काफ़ी सारे अपडेट आ चुके हैं, कलर ओएस में भी और Samsung के फ़ोन में भी, और यहाँ पर Samsung में हमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। तो क्यों ना हम साइड बाय साइड कंपैरिजन करें बिटवीन दीज टू फोन्स और पता चले आपको कि कौन सा बेस्ट फोन रहेगा अंडर 15,000 रुपीज़ आपके लिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। नाउ गाइस, अब इस वीडियो में मैं कैमरा स्पेक्स के बारे में डिटेल में बताने नहीं वाला हूं, बट मेन फीचर्स जो है आपको कैमरा में क्या देखने को मिल जाता है वो जल्दी से बता देता हूं। यहां पर आपको मेन प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है रियलमी XT में 64 मेगापिक्सल का विद F1.8 अपर्चर, और वहीं पर आपको Samsung Galaxy M30s में देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का F2.0 अपर्चर का कैमरा। उसके साथ साथ यहां पर आपको दोनों ही फोन्स में अल्ट्रा वाइड और डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, लेकिन एक लेंस आपको मैक्रो लेंस एक्स्ट्रा देखने को मिलता है रियलमी XT में। तो गाइस, अब डालते हैं मेन फोटोग्राफ्स पे नज़र और दोनों ही सैंपल्स आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोनों को साइड बाय साइड रख के मैंने खींचा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी XT की जो इमेज है वो कुछ डिफरेंट कलर टोन देखती है। यहाँ पर आपको जो कैमरा मॉड्यूल है उसमें आपको टिंट टाइप देखने को मिल जाता है जब भी आप सनलाइट के अगेंस्ट खींचते हैं। उसी के अलावा सेम इमेज मैंने वाइड एंगल कैमरा से लेने की कोशिश करी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियलमी XT में काफ़ी बढ़िया इमेज देखने को मिलता है और कलर सैचुरेशन लेवल वगैरह काफ़ी बढ़िया से मेंटेन किया। और वहीं पर Samsung Galaxy M30s में काफ़ी आर्टिफिशियल टाइप लग रहा है, लेकिन डिटेल की कोई कमी नहीं है। अब नेक्स्ट इमेज में नजर डालो तो ये इमेज मैक्रो शॉट लिया गया है दोनों के प्राइमरी कैमरा से, और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं Realme XT का कलर थोड़ा फ्लैट टाइप देखने को मिल जाता है और थोड़ा हल्का सा वार्मर टोन देखने को मिलता है, और वहीं पर Samsung Galaxy M30s का कैमरा काफ़ी सैचुरेटेड और शार्प इमेज निकाल कर देता है। यहाँ पर कलर एक्यूरेसी की बात करें तो Samsung Galaxy M30s का ज़्यादा एक्यूरेट है, क्लोज टू एक्चुअल कलर्स है। अब इस फोटोग्राफ को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको Samsung Galaxy M30s का काफ़ी सैचुरेटेड फोटो देखने को मिलता है और वहीं पर Realme XT काफ़ी बढ़िया फ्लैट टोन देता है। अगर कलर एक्यूरेसी की बात करें तो Realme XT ने यहाँ पर बहुत बढ़िया काम किया है, और यहाँ पर मैंने पोर्ट्रेट मोड ऑन करके लिया है तो आप देख सकते हैं बुके इफेक्ट दोनों में आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अब अगर आप इस इमेज में नजर डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme XT का जो इमेज है वो थोड़ा जूम्ड इन है, क्योंकि इसका जो लेंस है वो काफ़ी क्रॉप फैक्टर ज़्यादा है उसका एज़ कम्पेयर टू Samsung Galaxy M30s। वो आपको वीडियो में भी देखने को मिल जाएगा जो कि आप थोड़ी देर में देखेंगे। अगर आपको वाइब्रेंट फोटोज पसंद है तो यहाँ पर आपको Samsung Galaxy M30s बेटर लगेगा एज़ कम्पेयर टू Realme XT। अब नेक्स्ट इमेज में नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था क्रॉप फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है Realme XT का, यहाँ पर जो फ्रेम है वो कम कैप्चर किया Realme XT ने एज़ कम्पेयर टू Samsung Galaxy M30s, और दोनों को यहाँ पर मैंने ऑटो मोड में खींचा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Realme XT में जो लीव्स के टेक्स्चर हैं वो इतनी बढ़िया से नहीं आई हैं, लेकिन ओवरऑल इमेज काफ़ी देखने को बढ़िया लग रहा है। वहीं Samsung Galaxy M30s में जैसे कि मैंने बताया था वाइब्रेंट और शार्पनेस लेवल काफ़ी बढ़ा देता है, तो यहाँ पर भी आपको लीव्स के जो स्ट्रक्चर्स काफ़ी क्लियरली देखने को मिल जाते हैं और जो बाकी इमेज है वो भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही ने एक्चुअली काफ़ी बढ़िया काम किया है और HDR लेवल दोनों ही फोटोग्राफ्स में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे कि मैंने बताया था Realme XT को अगर आप सनलाइट के अगेंस्ट खींचते हैं तो वहाँ पर आपको जो ऑरा लाइटिंग है सन की वो ज़्यादा देखने को मिलती है, जो स्पिल्स हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू Samsung Galaxy M30s। और यहाँ पर आप देख सकते हैं Samsung Galaxy M30s की जो इमेज है उसमें लीव्स के कलर और ग्राउंड का कलर जो है काफ़ी सैचुरेटेड और पंची है, वहीं आपको फ्लैट टाइप कलर्स देखने को मिलते हैं Realme XT में। नाउ ये जो इमेज ली गई है दोनों ही स्मार्टफोन्स के वाइड एंगल कैमरा से ली गई है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही इमेज में काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आप ऑन फर्स्ट ग्लैंस देखें तो आपको दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ पर कलर सैचुरेशन लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू आपको Realme XT में स्लाइटली थोड़ा सा कम देखने को मिलता है क्योंकि उसमें इमेज को काफी क्रॉप कर देता है, वहीं पर Samsung Galaxy M30s में काफ़ी वाइड इमेज देखने को मिल जाती है। अगर आप एरिया के कवरेज की बात करें एज़ कम्पेयर टू Realme XT, Samsung M30s में आपको थोड़ी बेटर देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइस, तो ये इमेज काफ़ी इंटरेस्टिंग सा इमेज है क्योंकि जो ग्रे कलर होता है वो ज़्यादातर कैमरास ठीक से कैप्चर नहीं कर पाते हैं अगर कलर एक्यूरेसी की बात करें तो। यहाँ पर दोनों ही फोटोग्राफ में आपको काफ़ी डिटेल बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगर आप कलर एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो यहाँ पर मैं कहूँगा Realme XT थोड़ा ज़्यादा क्लोज है कलर एक्यूरेसी के मामले में अगर ग्रे फोटोग्राफ को कैप्चर करने की बात करें तो। वहीं पर Samsung Galaxy M30s में आपको जो सैचुरेशन लेवल और कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर Realme XT, लेकिन क्लोज टू एक्चुअल कलर्स के बारे में बात करें तो Realme XT ने काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ पर। नाउ इस इमेज की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी
ठीक ठाक काम किया है, लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में ओवरऑल आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s बेटर लगेगा। शार्पनेस लेवल भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M30s में एज कम्पेयर टू Realme XT। Realme XT का अक्सर जो कलर देता है वो थोड़ा फ्लैट टोन टाइप, थोड़ा वार्मर टाइप रखता है वो, लेकिन वाइब्रेंसी के मामले में आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s थोड़ा सा बेटर लगेगा। नाउ डे लाइट फोटो में सेल्फीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही ने काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ पर, और Realme XT का जो इमेज है वो आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30s डे लाइट की अगर बात करें। उसी के अलावा इस इमेज पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M30s का जो इमेज है वो HDR लेवल उसमें थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, ओवरऑल कलर सैचुरेशन लेवल भी थोड़ा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू Realme XT। और Realme XT का जो डिटेल है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है एज़ फार एज़ द फ्रंट कैमरा इज़ कंसर्न। ऑल राइट, तो अब डालते हैं नाइट फोटोग्राफ्स पे नज़र। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी वाइब्रेंट और कलर सैचुरेटेड इमेज आपको देखने को मिल जाती है सैमसंग गैलेक्सी M30s में, और वहीं पर Realme XT में डिटेल्स जो हैं नाइट फोटोग्राफ्स में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30s। नाउ इसी इमेज को मैंने वाइड एंगल कैमरा से लिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी मेजेंटा टाइप कलर आपको देखने को मिलता है Realme XT में, जो कि बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है, और वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M30s में काफ़ी एक्यूरेट कलर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Realme XT। दोनों ही ने काफ़ी बढ़िया काम नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल कलर एक्यूरेसी और इमेज क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको थोड़ा बेटर देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी M30s का कैमरा, जहाँ तक बात होती है वाइड एंगल कैमरा से लो लाइट फोटोज़ कैप्चर करने की। ऑलराइट, तो ये इमेज काफ़ी इंटरेस्टिंग इमेज है क्योंकि दोनों ही के नाइट मोड ऑन करके ली हैं फोटोग्राफ, और इसमें आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s में जो कलर्स हैं वो बिल्कुल भी ऑन पॉइंट नहीं देखने को मिल रहे हैं, कलर स्पिल्स काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। वहीं पर Realme XT ने काफ़ी बढ़िया काम किया है यहाँ पर, उसका जो नाइट मोड है Realme XT का वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30s। कलर स्पिल्स नहीं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन डिटेल्स की बात करें तो दोनों ही में डिटेल की कमी नहीं है। और राइट, इस इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही फ़ोन्स में काफ़ी अंतर है। यहाँ पर आप Realme XT में अगर आप नज़र डालें तो काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफ देखने को मिलती है, HDR लेवल काफ़ी बढ़िया है, और यहाँ पर आपको लाइट का स्पिल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30s। ओवरऑल इमेज क्वालिटी यहाँ पर बेटर निकल के आई है Realme XT की। नाउ इस इमेज की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Realme XT का जो कलर है वो थोड़ा सा ऑफ है लो लाइट के मामले में बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी M30s। यहाँ पर जो कलर्स हैं मदर डेरी का लोगो का वो भी थोड़ा बेटर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू Realme XT। नाउ नाइट सेल्फीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को Realme XT में काफ़ी शार्प इमेज। यहाँ पर अगर आप कलर एक्यूरेसी के बारे में बात करें तो दोनों की कलर एक्यूरेसी इतनी बढ़िया नहीं है, लेकिन अगर टी शर्ट के बारे में बात करें तो Realme XT का जो कलर है वो थोड़ा मैजेंटा टाइप लग रहा है, जो रेड कलर टी शर्ट है वो, और यहाँ पर सैमसंग के कलर की बात करें तो थोड़ा सा एक्यूरेट है एज़ कम्पेयर टू Realme XT। डिटेल्स के बारे में बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M30s में काफ़ी सॉफ्ट कर दिया है सेल्फी को, और वहीं पर Realme XT ने HDR लगाकर थोड़ा सा शार्प रखा है इमेज को। यहाँ पर सब्जेक्टिव वाले मैटर हो जाता है अगर सेल्फीज़ की बारे में बात करें तो। नाउ इस सेल्फी की बारे में बात करें तो दोनों में काफ़ी बढ़िया क्लैरिटी देखने को मिल जाती है। जैसे कि मैंने बताया सैमसंग गैलेक्सी M30s की जो सेल्फीज़ हैं वो थोड़ी सॉफ्टर साइड हैं एज़ कम्पेयर टू Realme XT। Realme XT में आपको थोड़ी शार्पर इमेजेस देखने को मिल जाते हैं अगर आप फ्रंट फेसिंग कैमरा के बारे में बात करें। कलर एक्यूरेसी के मामले में जैसे मैंने बताया रेड कलर जो है Realme XT में थोड़ा मैजेंटा टाइप लग रहा है, वहीं पर सैमसंग गैलेक्सी M30s में रेड कलर जो है वो थोड़ा वार्मर टाइप है, लेकिन कलर एक्यूरेसी के मामले में सैमसंग थोड़ा क्लोज है एज कम्पेयर टू Realme XT। Alright guys, so the video which you are looking right now is being recorded from the Samsung Galaxy M30s and this is the primary camera, और ये वाइड एंगल कैमरा नहीं है, और कुछ इस तरह की आपको क्वालिटी देखने को मिल जाती है फ्रॉम सैमसंग गैलेक्सी M30s। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट मोड, बाई डिफ़ॉल्ट मोड यू वोंट गेट अप टू 60 FPS, और यहाँ पर आपको ऑप्शन भी नहीं मिलता है 60 FPS में रिकॉर्ड करने का, बट स्टेबलाइजेशन की अगर बात करें तो आपको काफ़ी बढ़िया स्टेबलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसमें एक और मोड देखने को मिल जाता है सुपर स्टेडी मोड, जिससे इसकी जो वीडियो स्टेबलाइजेशन कैपेबिलिटी है वो और अच्छी हो जाती है। अगर मैं नॉर्मल जिटर्स की बात करूँ, जैसे कि मैं इस वक्त हिला रहा हूँ, तो आपको ठीक ठाक स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाती है बाई डिफ़ॉल्ट अगर आप इसको ऑटो मोड में ही अगर शूट करते हैं तो। डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पर उतनी बढ़िया नहीं है, बट सॉफ्टवेयर वाइज यहाँ पर आपको वही सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है जो आपको सैमसंग गैलेक्सी की जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं उसमें देखने को मिलता है। नाउ गाइस, दिस इज़ द बैक कैमरा ऑफ द Realme XT, और यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। आपको बाई डिफ़ॉल्ट 30 FPS में शूट करने को मिलता है, और आपको स्टेबलाइजेशन के मामले में काफ़ी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बाई डिफ़ॉल्ट स्टेबलाइजेशन भी ऑन रहता है। आप
यहाँ पर अप टू 60 FPS भी शूट कर सकते हैं इस डिवाइस से, और डायनेमिक रेंज मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस सेंसर का, और जो क्रॉप फैक्टर है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है अगर आप वीडियोस लेते हैं। इवन अगर आप फ्रंट कैमरा से भी वीडियो लेंगे और बैक कैमरा से वीडियो लेंगे तो आपको दोनों में ही क्रॉप फैक्टर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो स्टेबलाइजेशन के मामले में ठीक ठाक स्टेबलाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जल्दी से मैं फ्रंट कैमरा में स्विच करता हूँ तो आपको क्वालिटी लगभग पता चल जाएगी फ्रंट कैमरा की भी। तो गाइज, दिस इज़ द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ द सैमसंग गैलेक्सी M30S, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कुछ पार्ट मेरा ये ब्लो आउट कर रहा है, और इग्नोर करिएगा ये सुबह सुबह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फेस कुछ ऐसा जा रहा है, और ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम, तो आपको ऑडियो उतनी बढ़िया नहीं मिलेगी, लेकिन जो ऑडियो और वीडियो वो इसी वक्त रिकॉर्ड हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी M30S से। ऑलराइट नाउ, सो दिस इज़ द फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑफ द रियलमी XT, और कुछ इस तरह की आपको वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर मुझे हाथ काफ़ी दूर तक एक्सटेंड करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें क्रॉप फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है बैक कैमरा में भी और फ्रंट कैमरा में भी। सो आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है, और कुछ इस तरीके की आपको ऑडियो और वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अगर फ्रंट कैमरा के स्टेबलाइजेशन की बात करें तो आपको उतनी बढ़िया स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, मेरे ख्याल से यहाँ पर स्टेबलाइजेशन यहाँ पर दिया ही नहीं है फ्रंट कैमरा में, लेकिन जो बैक कैमरा का स्टेबलाइजेशन है वो रियली मुझे काफ़ी कमाल का लगा, और फ्रंट कैमरा की क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अपना काम ये ठीक ठाक कर देता है, और लो लाइट में भी और डे लाइट में भी आपको काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है M30S से। स्टेबलाइजेशन के मामले में फ्रंट कैमरा काफ़ी ठीक ठाक है, लेकिन जो ओवरऑल डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा है अगर आप इस प्राइस सेगमेंट वाले जितने भी स्मार्टफोन से कंपेयर करें तो, और जो क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है वो ठीक ठाक देखने को मिल रही है, डायनेमिक रेंज भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो क्रॉप फैक्टर इस डिवाइस में वो काफ़ी अनोइंग लग रहा है मुझे। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, ऑडियो और वीडियो जो भी आपने अभी देखा वो इसी से रिकॉर्ड हुआ है, और कमेंट में बताइए अपना सुझाव और क्या आपको बढ़िया लग रहा है या नहीं सभी चीज़ों के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो ये था एक फुल ऑन कंपैरिजन ऑफ सैमसंग गैलेक्सी M30S एंड रियलमी XT आफ्टर द अपडेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज लाइक दिस। दिस इज मी दिव्यकांत थलेडी साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट वन।